2021 में हमने रामकथा की शुरुआत की थी, बालकांड के ऊपर विशेषतः चर्चा की थी। फिर 2022 में अयोध्या कांड की चर्चा की, पिछले साल अरण्य कांड की चर्चा की थी, तो इस साल किष्किंधा कांड की चर्चा करेंगे। तो ये भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर है, श्री राम कथा, कृष्ण कथा। ये वास्तविक धरोहर हमारे भारतवर्ष की है, और इस संपदा को जानना, इस संपदा को समझना और इस संपदा को आगे देना संप्रदाय रूप से ये बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश अभी भारत में पाश्चात्य संस्कृति, उसको संस्कृति भी नहीं बोल सकते, पाश्चात्य जगत की बड़ी प्रकोप है, जिसके कारण से हर वो वस्तु जो पाश्चात्य होती है वो हमको लगती है कि ये कुछ अच्छी है। माता पिता अच्छा सा नाम रखते हैं, हरी, वो अपना नाम कर लेता है हैरी। हम भी जब बचपन में माता को बोलते थे कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा खिलाओ, तो माता कुछ इडली डोसा या ऐसा कुछ बनाती थी, बट अभी अच्छे की परिभाषा ही अलग है, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। तो अभी सब तरफ पाश्चात्य जगत की हम नकल कर रहे हैं और अपनी धरोहर को भूल गए। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति के लिए बहुत लोग उन्मुख हो रहे हैं। अभी विशेषतः अमेरिका में ये कर्म शब्द, कर्मा, बड़ा विख्यात, लोग कर्म के विषय में, भगवत विषय में सुनना चाहते हैं, महाभारत रामायण के विषय में सुनना चाहते हैं। और तो और अभी नया प्रचलन चला है कि लोग टैटू भी बनवाते हैं तो संस्कृत भाषा के बनवाते हैं। कई पाश्चात्य जगत के लोग तो भगवत गीता इसलिए ही खरीद रहे हैं कि उसमें से कुछ संस्कृत का शब्द अच्छा मिलेगा तो टैटू बनवाएंगे। तो इस तरह भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य लोग अभी अपना रहे हैं। और तो और मैं अभी एक हफ्ते पहले ही एक अरब देश से आया हूँ, और वहाँ मुझे भक्त लोग बता रहे थे कि सऊदी अरेबिया में स्कूल में महाभारत एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। भारत में नहीं है, सऊदी अरेबिया में, आप कल्पना करो, जो कि एक विशेष समुदाय का केंद्र है, वहाँ पर महाभारत को स्कूलों में विशेष रूप से पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारी धरोहर को जब पाश्चात्य जगत के लोग समझ सकते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग, दूसरे समुदाय के लोग समझ सकते हैं, तो हमको तो समझना बहुत आवश्यक है। और ये चरित्र सुनने से हम जितना ज़्यादा अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, उसका अनुमान हम केवल बातों से नहीं कर सकते, ये चरित्र सुन के, इसका मनन करके अपने जीवन में अपनाना है। यही राम कथा की विशेषता है। राम कथा जीवन में सार्थकता लाती है, जीवन में आदर्श लाती है। नहीं तो लोगों को तो फालतू बात करना वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दो लोग मिलते हैं, दो घंटा बात करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अपन को क्या, छोड़ो, तो दो घंटा क्या बात किया। एक बार एक ट्रेन में दो माताएं बात कर रही थी, दोनों थोड़ी मजली सी उम्र की थी और दोनों बातें कर रही थी। एक माता ने दूसरी माता को पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो माता ने बोला कि बस 17 में अभी लगी हूं। और दूसरी माता वो को पूछती है आपकी उम्र कितनी है, बोले आप 17 में हैं तो हम 16 में ही लगे हैं, बस थोड़ा 16, हरे कृष्णा, हम 16 में लगे हैं। तो ऊपर से एक व्यक्ति उनकी बातें सुन रहा था, वो बर्थ से नीचे गिर पड़ा। माताएं पूछती हैं कि अरे आपको क्या हुआ, बोला मैं पैदा होने की तैयारी कर रहा हूं। फालतू बात में पूरा दिन हम निकालते हैं, लेकिन ये राम कथा, कृष्ण कथा का श्रवण हमारे जीवन में सार्थकता लाता है, और ये वास्तविक मन को रंजन देने वाला है। मनोरंजन करने वाला क्या है, भगवत कथा। इस भगवत कथा का श्रवण बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, देवता भी करते हैं। दक्षिण भारत में एक स्थान है कोट्टयूर,
वहां पर एक भगवान शिव का मंदिर है जो कि केवल साल में 10 दिन ही खुलता है, और उस शिव मंदिर में वो 10 दिन साल में इतनी भीड़ होती है, हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मंदिर प्रबंधन ने सोचा कि इतने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो हम एक काम करते हैं, हम भागवत कथा रखते हैं, ये 10 दिन भागवत पाठ चलेगा, तो जो लोग दर्शन करने आएंगे वो लोग कथा भी श्रवण करेंगे। तो काफी आयोजन किया गया। तो वहां पर केरला से एक भक्त को बुलाया गया, पुंदानंद। पुंदानंद भक्त को बोला गया, आप भागवत पाठ सुनाइए। तो पुंदानंद ने सोचा कि एक विशेष अध्याय से शुरुआत करेंगे। उन्होंने भागवत का वो अध्याय निकाला जहां रुक्मणी कृष्ण को पत्र लिखती हैं, और वो अध्याय के ऊपर इतना अच्छा प्रवचन पहले दिन किया, और उस अध्याय के अंत में उन्होंने बुकमार्क लगा दिया। कथा खत्म हुई, उन्होंने अपनी भागवत की प्रति वहीं रख दी, क्योंकि अगले दिन तो फिर आना है, चले गए। अगले दिन आकर के फिर प्रवचन करने बैठे, किताब खोली तो बुकमार्क अध्याय के शुरुआत में था। तो उन्होंने भी सोचा कि शायद हमें याद नहीं होगा, इतनी जगह तो कथा करते हैं, तो उन्होंने फिर से वही अध्याय के ऊपर प्रवचन किया। तीसरे दिन भी वही हुआ, फिर से बुकमार्क पीछे से हटके आ गया। ऐसे 10 दिन तक चला, और वो भी इतने रसिक भक्त थे कि 10 दिन उनको पता ही नहीं पड़ा कि मैं एक ही अध्याय पर प्रवचन दे रहा हूं। अच्छे दोनों के लिए अच्छा है, जिसको कथा में रुचि है वो उसको बार बार सुनने में भी आनंद लगता है, और जो कलयुग का जीव है उसकी स्मृति इतनी बेकार है कि एक ही उदाहरण 15 बार बताओ तो उसको याद ही नहीं रहता, वैसे भी अच्छा लगता है। 10 दिन एक ही कथा सुनी तो सुनने वालों को भी पता नहीं पड़ा, बोलने वाले को भी पता नहीं पड़ा। अब 10वें दिन जब मंदिर के पट बंद होने लगे, क्योंकि 1 साल बाद ही अब खुलेंगे, सभी भक्त जाने लगे, पुंदानंद भी चले गए, तो रास्ते में उनको याद आया, अरे मेरी भागवत तो वहीं छूट गई। वापिस आए, द्वार तो बंद हो चुका था, तो खिड़की से झांक के जब पुंदानंद देखते हैं तो देखते हैं, अचंभित रह जाते हैं कि भगवान शिव उनकी भागवत उठा करके पार्वती को सुना रहे। और कैसे सुना रहे हैं कि पुंदानंद ने इस तरह बताया था, पुंदानंद ने ये उदाहरण दिया था, ये विशेष बात बताई थी। तो पार्वती पूरा प्रवचन सुनने के बाद बोली, आपने अच्छा रिपीट टेलीकास्ट किया, लेकिन पुंदानंद जैसी बात नहीं है, अभी सुनने के लिए 1 साल रुकना पड़ेगा, तो बुकमार्क दोबारा से अध्याय की शुरुआत में लगा दीजिए। तो ये कृष्ण कथा राम कथा सुनने के लिए भगवान शिव जैसे महान देवता भी लालायित रहते हैं। तो हम जब कृष्ण कथा सुनते हैं, भगवान राम की कथा सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी वो आसक्ति धीरे धीरे क्रमशः भगवान के लिए पनपती है। ये कृष्ण कथा से, भगवत कथा से भगवत आसक्ति जन्म लेती है, इसलिए बार बार कृष्ण कथा सुनना चाहिए। और भगवान के भक्त यही प्रयास करते हैं कि कैसे ना कैसे जीवात्मा कृष्ण के बारे में सुने, भगवान राम के बारे में सुने, भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मालवा क्षेत्र में परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय की बड़ा इतिहास है। जन्मेजय को भी ऐसे ही कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला। जन्मेजय परीक्षित महाराज की मृत्यु के बाद इतने द्रवित थे, उनको लग रहा था कि अब हमें कुछ कथा वथा नहीं सुनी, हमारे पिताजी ने 7 दिन सुनी, क्या फायदा हुआ। अब वो तो ये नहीं जानते हैं कि 7 दिन सुन के वो भगवत धाम गए, लेकिन बाह्य दृष्टि से सोच रहे थे। तो जन्मेजय को कथा सुनाने के लिए वैशंपायन बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन जन्मेजय सुनना ही नहीं चाह रहे थे। तो बस वैशंपायन एक दिन उनके पास आए और 2 शब्द बोल के चले गए, गो हरणम वन भंगम, ये 2 शब्द बोल के चले गए। जन्मेजय ने बोला, इसका मतलब तो बताओ, क्या मतलब है। बोले, वो बाद में कभी बताएंगे। अब ये भी एक टेक्निक है, किसी को आप बोलो एक बात बताएं, वो बोले हाँ बताओ बताओ, चलो छोड़ो। अब वो व्यक्ति रात में सो नहीं पाएगा, वो बात सुनने के लिए लालायित रहेगा। तो जन्मेजय वैशंपायन के पास आए, अरे ये 2 शब्द मतलब क्या है, गो हरणम वन भंगम, क्या मतलब है इसका। तब उन्होंने ये अवसर लिया, गो हरणम महाभारत की कथा, जहां द्रुपद राज्य में गो हरण कौरव इत्यादि कर लेते हैं, युद्ध होता है, महाभारत की पूरी कथा जन्मेजय वैशंपायन से सुनते हैं। और वन भंगम,
जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जा करके पूरे वन को भंग करते हैं, रामायण की कथा सुनाते हैं, तो अंत में वैशंपायन जन्मेजय को पूछते हैं, ये कथा सुन के तुम्हें क्या लाभ मिला, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या लाभ मिला? तो जन्मेजय अंत में बोलते हैं दोनों रामायण महाभारत सुन के कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कथा सुन के मेरी राम और कृष्ण में आसक्ति जरूर हो गई है। तो ये कथा का लाभ होता है, जितना हम श्रवण करते हैं उतना भगवान की चरित्र में हमारी आसक्ति होती है, और जिस चीज में हमारी आसक्ति होती है वही वस्तु हमें मृत्यु के समय याद आती है। अंते नारायण स्मृति, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि अंतिम समय में भगवान का हम स्मरण कर पाए। लेकिन वो स्मरण कब संभव होगा? जब हम भगवान से आसक्त होंगे। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे कर्म मेरे जन्म कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य हैं। इतने दिव्य हैं कि संसारी व्यक्ति अपने कर्म करके बंधन में फंसता है, लेकिन मेरे कर्मों को श्रवण मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इतने दिव्य हैं। तो कभी भी भगवान की कथा को भगवान की लीला को जागतिक नहीं समझना चाहिए। जैसे आप में से किस किस ने गली में क्रिकेट खेला है, हाथ खड़ा कीजिए, शर्माइए मत, पहले तो सबने खेला है, हाथ खड़ा कीजिए। माताओं में से वेरी गुड। कांच किस किस ने फोड़ा है किसी का क्रिकेट खेलते खेलते? हाँ वेरी गुड। जब आप कांच फोड़ते हैं तो आपको कौन सा पुरस्कार मिलता है? कोई पुरस्कार मिलता है? तुरंत वहां से भाग जाते हैं क्योंकि अभी कुछ ना कुछ बवंडर होने वाला है। लेकिन वही गली में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेले और किसी का कांच टूट जाए तो क्या वो गुस्सा होगा? वो कांच को फ्रेम करा के रखेगा, सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा है। इसी तरह हमारा जो कर्म है वो बंधन है, लेकिन वही कर्म जब भगवान करते हैं तो वो मुक्ति का कारण है। ये आसक्ति भगवान से होनी चाहिए। और भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा है कि ये चरित्र भवबंधन से मुक्त करने में तो सामर्थ्य है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये जीवन में कैसे जीना है ये आदर्श भगवान राम का चरित्र बताता है। यद्यपि हम भगवान कृष्ण की कथा ज्यादा सुनते हैं क्योंकि ज्यादा मधुर है, लेकिन ये कृष्ण कथा सुन के खुश ही हो सकते हैं। जैसे भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, अब ये बात सुन के खुश हो सकते हैं, अनुसरण तो नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, ये बात सुन के खुश हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम की लीलाएं सुन के अपने जीवन में हम आदर्श जीवन अपना सकते हैं, इस सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। ये भगवान राम के चरित्र की विशेषता है। इसलिए आप भागवत में देखेंगे कृष्ण लीला के जन्म से लेके बाल लीलाओं का बड़ा विस्तृत वर्णन है, लेकिन रामायण में भगवान राम की लीलाएं बालकांड में है, बाल्य लीलाएं। और बालकांड यद्यपि रामायण का सबसे बड़ा कांड है, सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन बाल्यकाल की लीलाएं 7-8 श्लोक में समाप्त हो जाती। बाकी बालकांड में भगवान राम का विश्वामित्र के साथ जाना इत्यादि वर्णन है, क्योंकि मर्यादा सिखाने के लिए भगवान राम, उनका चरित्र एक एक लीला हमें सिखाने के लिए है। हम रामायण के सभी किरदारों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं शत्रुघ्न, शत्रुघ्न शब्द का मतलब है जिसने शत्रु का दमन किया हो वह है शत्रुघ्न। अब रामायण की कथा जिनको पता है उनको मालूम है शत्रुघ्न तो एक ही असुर का वध किए थे, लवणासुर। मैं इतना जानता हूं, आप लोग शायद ज्यादा किसी और एक दो असुर का नाम जानते होंगे, लेकिन शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया, ज्यादा असुरों का उल्लेख नहीं आता है, लेकिन नाम है शत्रुघ्न। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अनर्थ रूपी शत्रुओं का दमन किया। लक्ष्मण को भगवान राम के साथ जाने का मौका मिला, भरत को भगवान राम के सानिध्य में, उनकी पादुकाओं के सानिध्य में राज्य करने का मौका मिला, लेकिन शत्रुघ्न हमेशा बैकस्टेज थे, बैकग्राउंड थे। उन्होंने ये नहीं बोला भगवान इतनी अच्छी लीला चल रही हमको थोड़ा फ्रंट रोल दो, नहीं, जो सेवा दी है वो सेवा स्वीकार करके शत्रुघ्न सेवा करते रहे अपने अनर्थों का दमन करते हुए। ये शत्रुघ्न की महानता है। फिर हम देखते हैं भरत, भरत जो बाहर जो बहुत सारे वजन को ढो सके वो है भरत। तो
भरत ने कौन सा पर्वत उठाया था? भरत ने जिम्मेदारी का पर्वत उठाया था। भगवान राम यद्यपि वन में गए, भरत की भी इच्छा वन में रहने की थी, फिर भी वियोग में सेवा की, दूर रह करके सेवा की, इसलिए भरत को भरत बोला जाता है। और इतनी अच्छी सेवा की कि जब भगवान राम अयोध्या वापस लौट के आए 14 वर्ष के बाद, तो अयोध्या का कोष कई गुना ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि भरत की भी अपनी टेक्निक थी। जब कोई कर देने आता, भेंट देने आता, तो भरत बोलते पादुका राजा है, पादुका को रख दो। तो सब लोग भेंट चढ़ा देते थे पादुका को, भरत उसको राशि कोष में भेज देते थे। और जब कोई बिल लेके आता था कि ये खर्चा होने वाला है, थोड़ा पैसा दो, तो भरत बोलते थे पादुका से ले लो। अब पादुका थोड़ी धन देती थी। तो ऐसे करके उन्होंने खूब सारा राजकोष इकट्ठा कर दिया। भार बहती इति भरत। और फिर है लक्ष्मण। लक्ष्मण अर्थात जो लक्ष्मी संपन्न हो उसको बोलते हैं लक्ष्मण। अब लक्ष्मण के पास कौन सी संपत्ति थी? भगवान राम राजा बने, लक्ष्मण के पास कौन सी संपत्ति थी? लक्ष्मण के पास संपत्ति थी सेवा की। इतनी उत्कृष्ट सेवा लक्ष्मण ने की, जब सुमित्रा लक्ष्मण को वन में कैसे रहना इसकी शिक्षा दे रही थी, तो सुमित्रा ने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण तुम वन में जा रहे हो, भगवान राम का मुख को मत देखना। लक्ष्मण बोले फिर क्यों जा रहे हैं हम? बोले नहीं, क्योंकि राम के मुख को देखोगे तो उसी को देखते रह जाओगे, इतना सुंदर है, तो फिर सेवा में ध्यान नहीं लगेगा। और भगवान राम के मुखारविंद का और सारे शारीरिक अंगों का ये वर्णन रामायण में है कि हर एक अंग परतंत्र रूप से सुंदर है। जैसे अगर कोई नाक अकेली देखे तो नाक अपने आप में सुंदर है। मान लो आप किसी को वीडियो कॉल करो और आवाज नहीं आए और थोड़ा पास में रखो और आपकी नाक ही नाक दिखे, तो सामने वाला आदमी घबरा जाएगा, वो बोलेगा भाई वीडियो ऑफ करके बात करो। कोई आपका कान ही कान देखे तो डर जाएगा। हमारा पूरा का पूरा मुख देखकर भी लोग डर जाते हैं, लेकिन भगवान राम का एक अंग कोई देखे, केवल एड़ी देख ले, केवल घुटना देख ले, केवल उंगली देख ले, तो ही उनको देखता रह जाए, इतने सुंदर भगवान राम की छवि। तो भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मण उस प्रकार का नियम लेते हैं। ये सेवा वास्तविक संपत्ति है, ये सेवा वास्तविक धन है। जैसे जब इस्कॉन के शुरुआती दिनों में श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों को बोला कि आप लोग भगवत दर्शन पत्रिका बांटो, पहले तो इस्कॉन शुरू होने के पहले प्रभुपाद स्वयं ही भगवत दर्शन पत्रिका बांटते थे, खुद ही उसका संपादन करना, प्रकाशन करना, वितरण करना अकेले ही करते थे। इस्कॉन शुरू होने के बाद प्रभुपाद ने डिपार्टमेंट बनाया, BTG डिपार्टमेंट, भगवत दर्शन का डिपार्टमेंट, जो कि पुस्तकों का वितरण करेंगे। तो एक दिन ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद के पास आए, बड़े क्रोध में आए। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। पतित पावन गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उस समय पर ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद के पास शिकायत लेके आए, बोले प्रभुपाद आप बोल रहे हैं कि भगवत दर्शन पत्रिका बांटो जाओ, लेकिन यहां तो कोई भक्त स्टेपल करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये छप करके भगवत दर्शन पत्रिका पड़ी हुई है, इनको स्टेपल करने के लिए भी कोई तैयार नहीं। प्रभुपाद ने बोला तुमने सबसे पूछा, मुझसे तो पूछा ही नहीं, मैं तो तैयार हूं, मुझे बताओ कहाँ स्टेपल करना है। और जगत गुरु संस्थापक आचार्य आचार्य श्रील प्रभुपाद बैठ करके एक एक भगवत दर्शन स्टेपल करते हैं। ब्रह्मानंद प्रभु को प्रभुपाद बाद में बताते हैं, देखो ये सेवा करने का अवसर सबसे बड़ी संपदा है। कृष्ण को हमसे क्या चाहिए, भगवान राम को हमसे क्या चाहिए, लेकिन हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये सबसे बड़ी संपदा है। इस संपदा के धनी हैं लक्ष्मण और भगवान राम, उनका नाम भी अपने आप में आदर्श है। राम वो व्यक्ति हैं जो सबको आनंद प्रदान करे, जो सबको आनंद दे सकते हैं। कोई खल हो, कोई सुर हो, असुर हो, भक्त हो, अभक्त हो, श्रेष्ठ हो, दीन हो, सबको आनंद जो प्रदान करे वो है भगवान राम। इसलिए भगवान राम के चरित्र से, भगवान राम के गुण से और भगवान राम के केवल नाम से वाल्मीकि जैसे ऋषि भी आकृष्ट होते हैं। रामायण की शुरुआत में
ये महात्म कथा आती है जहां पर रत्नाकर दस्यु, रत्नाकर डाकू जो कि कई कई जानवरों को मारता था, उसकी भेंट नारद मुनि से होती है। और नारद मुनि ये रत्नाकर दस्यु को बोलते हैं कि तुम ये पाप कृत्य क्यों करते हो? तो रत्नाकर बोलता है कि हम तो करते हैं परिवार के लिए। तो नारद मुनि का प्रचार का ढंग भी देखिए, वो बोलते हैं ठीक है फिर जाके परिवार से पूछिए कि वो आपके पाप का भागी बनने के लिए तैयार है कि नहीं। तो जब रत्नाकर दस्यु जाते हैं परिवार से पूछते हैं तो सब परिवार वाले मना कर देते हैं कि भाई ये तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जहां से भी लाओ हमारा पालन पोषण तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को लगता है उसका परिवार उससे बहुत प्रेम करता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बड़ा आसक्त अपने परिवार से, साधु ऋषि मुनि की संगति में जाना भी उसको समय नहीं मिलता था। एक बार एक साधु उसको मिल गया और वो साधु की संगति में वो व्यक्ति को साधु ने बोला कि आप भगवत भजन कीजिए। वो व्यक्ति बोलता है हमें समय कहाँ है भगवत भजन करने का, हम तो परिवार के लिए पूरा दिन काम करते हैं। तो वो साधु ने बोला एक काम करो, एक छोटा सा 5 मिनट का नाटक करते हैं, तुम्हारी आसक्ति सब समझ में आ जाएगी। क्या नाटक करेंगे? सांस रोकना जानते हो? हाँ सांस रोकना जानते हैं, तो सांस थोड़ा 5 मिनट के लिए रोकना, हम एक नाटक करके दिखाएंगे। तो व्यक्ति को लेटा दिया, बोला सांस रोक लो। और वो साधु ने पूरे ऋषियों को, पूरे परिवार लोगों को बुला लिया। परिवार के लोग आकर के रोना शुरू किए, हाय राम हमारे घर के ही चले गए, सब रोने लगे, छाती ठोकने लगे। ऋषि बोलते हैं, साधु बोलते हैं, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप सब इनसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे पास विशेष सिद्धि है, मैं इनको पुनः जीवित कर सकता हूं। तो सब परिवार के लोग बड़े खुश हो गए, हमको पुनः जीवित कर देंगे, हाँ पुनः आपके जीवित कर देंगे। एक ही शर्त है बस, आप में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी, आपकी जान मैं इनमें डाल के इनको जीवित कर दूंगा। सब भाग गए वहां से। वो व्यक्ति जब उठा उसको बताया देखो तुम्हारी आसक्ति। इसी प्रकार रत्नाकर जब परिवार से इस तरह का उत्तर प्राप्त किए, रत्नाकर के अंदर विरक्ति आ गई, दोबारा नारद मुनि के पास आए। नारद मुनि को बोले कि आप मुझे ऐसा कोई माध्यम बताइए जिससे मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं। तब नारद मुनि ने रत्नाकर को भगवत नाम दिया, तुम राम नाम का जप करो। आप ये कथा जानते हैं कैसे शुरुआत में तो वो राम नहीं बोल पा रहे थे, फिर मराम राम 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 करते करते भगवत साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ने लगे। 1 साल बाद नारद मुनि पुनः आए। 1 साल तक ये रत्नाकर भगवान राम के नाम का आश्रय लेने लगे। अच्छा, नाम का ये प्रभाव होता है, नाम जब परिपक्व हो जाता है तो फिर उससे भगवान के गुणों का दर्शन भक्त करता है, और गुणों से फिर रूप का दर्शन करता है, और फिर रूप से लीला का दर्शन करता है। इसलिए नाम गुण रूप लीला, इस तरह भगवान के दर्शन, भगवान का अनुभव भक्त को होता है। शुरुआत कहां से है? नाम से। इसलिए हम प्रतिदिन भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार नाम का जब आश्रय लेते हैं, इस नाम के माध्यम से भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। तो वाल्मीकि ऋषि नाम जब करते करते 16 गुणों के ऊपर भगवान के मनन करते हैं, जैसे गुणवान, वीर्यवान, कृतज्ञ, जिनके शरीर से अनंत प्रकाश निकले, जो प्रिय दर्शन हो, जिनका दर्शन करके व्यक्ति मुग्ध हो जाए, ऐसे 16 गुणों के ऊपर वाल्मीकि ऋषि सोच रहे थे। नारद मुनि 1 साल बाद आए, नारद मुनि को प्रश्न पूछते हैं कि मेरे हृदय में ये 16 गुणों की लिस्ट चल रही है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर ये 16 के 16 गुण दिखे, 16 के 16 गुण जिसमें पूर्णता विद्यमान हो? ऐसा नहीं कि कभी कभी कृतज्ञ हो, हमेशा कृतज्ञ हो। ऐसा नहीं कभी कभी सुंदर दिखे, हमेशा सुंदर दिखे। ऐसा नहीं कभी कभी सामर्थ्यवान हो, हमेशा सामर्थ्यवान हो। तो ऐसे 16 गुण क्या किसी के पास हैं? तब नारद मुनि वाल्मीकि को 100 श्लोकों में रामायण की कथा सुनाते।
उन्हीं 16 गुणों को आधार रखते हुए। और बाद में वाल्मीकि ऋषि उन 16 श्लोकों को ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि रामायण में परिणत करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण प्रथम काव्य है। और कैसे उसको लिखने की उनको प्रेरणा मिली कि जब भगवान राम के इन गुणों को उन्होंने नारद मुनि से सुना, ये 100 श्लोकों की रामायण सुनी, तो ये लीला श्रवण करने से वो लीला में प्रवेश ही कर गए। और वो जब भरत के बारे में सोचते, लक्ष्मण के बारे में सोचते, भगवान राम के बारे में सोचते, कौशल्या के बारे में सोचते, सीता के बारे में सोचते, तो उनका हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो जाता। और जब वो भगवान राम को वन में जाते हुए सोचते तो उनका हृदय बड़ा दुखी हो जाता। और जब वो मंथरा केकई के बारे में, रावण कुंभकर्ण इत्यादि के बारे में सोचते तो उस समय उनको बड़ा क्रोध आ जाता। तो इस तरह कई कई भावनाओं का समागम उनके हृदय में चल रहा था। और उन्हीं भावनाओं के भवंडर को हृदय में लेते हुए वो संध्या करने नदी के तट पर गए। और वहां उन्होंने 2 क्रौंच पक्षियों को देखा। जब उन 2 क्रौंच पक्षियों को देखा तब वाल्मीकि ऋषि ये सोचने लगे कि अगर जीवन में कष्ट है तो जीवन में सुख भी है, अगर जीवन में दुष्कृति है तो सुकृति भी है, अगर जीवन में आसक्तियां हैं तो जीवन में मुक्ति भी है, और जीवन में अगर व्हाट यू कॉल हेट्रेड द्वेष है तो प्रेम भी है। तो उन्होंने सोचा कि मैं द्वेष के ऊपर ना ध्यान लगाऊं, मैं मंथरा के बारे में ना सोचूं, मैं कैकेयी के बारे में ना सोचूं, मैं रावण के बारे में ना सोचूं, मैं कुंभकर्ण इत्यादि राक्षसों के बारे में ना सोचूं। वो क्रौंच पक्षियों को देख करके वाल्मीकि सोच रहे थे मैं तो राम सीता के बारे में सोचूं, मैं तो प्रेम के बारे में सोचूं, मैं हनुमान की भक्ति के बारे में सोचूं। और जब इसी तरह सोच रहे थे उसी समय पर एक व्याघ्र ने, एक शिकारी ने एक तीर मारा जो कि उन क्रौंच पक्षियों को लगा। अच्छा, वाल्मीकि खुद भी शिकारी थे, इतना नियम तो वो भी जानते थे कि ऐसी अवस्था में पक्षियों के ऊपर शिकारी भी तीर नहीं चलाते। तो जब उस तरह से वो तीर चलाया, वो जो भावनाओं का समागम उनके हृदय में चल रहा था वो कविता के रूप से उनके मुख से बाहर आए, जो प्रथम काव्य कविता हम बोलते हैं सृष्टि। और उन्हीं छंद में उन्होंने बाद में रामायण की सृष्टि। तो भाव भी है, कविता भी है, भगवत नाम के प्रति आसक्ति भी है, ऐसे ही भक्त भगवान की लीला का वर्णन कर सकते हैं। हम लोग कई बार कहीं पर भी जाकर के बैठ जाते हैं, अरे भगवान की कथा ही तो चल रही है, नहीं, दूर से दिख रहा है कोई दूध बांट रहा है, लेकिन दूध में अगर किसी ने विष मिला दिया तो अब वो दूध नहीं, वो विष है। इसलिए श्रवण करना चाहिए परंपरा में। वाल्मीकि परंपरा में है, नारद मुनि से श्रवण किए हैं, ब्रह्मा जी से श्रवण किए हैं, उसके बाद रामायण लिखे। इसलिए हम वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करते हुए, रामायण को प्रणाम करते हुए, नारद मुनि को प्रणाम करते हुए इस लीला में प्रवेश करें। ये किष्किंधा कांड की शुरुआत होती है जहां शबरी भगवान राम को पंपा सरोवर से आगे जाने का रास्ता बताती है। और शबरी बताती हैं कि आप ऋषिमुख पर्वत पे जाइए, वहां आपकी भेंट सुग्रीव इत्यादि वानरों से होगी जो कि आपकी आगे मदद करें। तो किष्किंधा कांड की शुरुआत होती है कि भगवान राम आगे चले, और आगे चलते चलते ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लक्ष्मण भगवान राम से पूछे, आप आगे क्यों जा रहे हैं? कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के पास थोड़े जाता है। आप एक बार बुलाएंगे तो सुग्रीव को आना चाहिए आपसे मिलने, सारे वानरों को आना चाहिए आपसे मिलने, आप आगे क्यों जा रहे हैं? भगवान राम बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। पहला उत्तर भगवान देते हैं, देखो जो महान लोग होते हैं उनका स्वभाव होता है उद्धार करने का, जो महान लोग होते हैं उनका स्वभाव होता है अनुकंपा करने का। वो ये प्रतीक्षा नहीं करते कि मेरे पास कौन आए, मेरे से कब मदद कोई मांगे। कोई डूबता हुआ व्यक्ति दिखे तो क्या वो जब तक व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजेगा तब तक उसको बचाओगे? नहीं। तो जो महान चरित्र के लोग हैं वो ये प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई मदद मांगे, वो स्वयं जाकर के मदद करते हैं। और दूसरा, सुग्रीव है तो साथ में हनुमान भी तो है, मेरे भक्त तो मुझसे श्रेष्ठ हैं, हम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों से नीचे हूं,
तुम जो तर्क बता रहे हो कि बड़ा व्यक्ति छोटे के पास नहीं जाता, छोटा बड़े के पास जाता है, तो मैं तो अपने भक्त के पास जा रहा हूं, इसमें भी ये बात सही है कि मैं खुद से चल करके जाऊं। भगवान राम खुद से चल करके ऋषिमुख पर्वत के पास आते। अब ऋषिमुख पर्वत में शायद सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, जो दूर से सुग्रीव देख रहा था कौन पास में। अच्छा, काफी भयभीत सुग्रीव रहता था कि कोई ऋषिमुख पर्वत के पास ना आए। यद्यपि ऋषिमुख पर्वत बाली फ्री जोन थी, वहां पर बाली नहीं आ सकते थे, बाली को श्राप था कि यदि वो ऋषिमुख पर्वत पे आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और यहां तक कि अगर वो अपने कोई मंत्री संत्रियों को भी भेजेंगे तो वो मूर्तिवत पत्थर बन जाएंगे। तो ऋषिमुख पर्वत पे वैसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी सुग्रीव काफी डरा करते थे। उन्होंने दूर से देखा ये दो बालक आ रहे हैं, देखने में इनका शरीर क्षत्रियों जैसा दिखता है, साथ में इनके धनुष बाण तलवार इत्यादि है, लेकिन पहन रखे इन्होंने वस्त्र ब्राह्मणों के, ऋषियों के, तपस्वियों के। क्या करें, कैसे पता लगाएं? देखो, भगवान मदद करने आ रहे हैं, लेकिन सुग्रीव को संशय भगवान पे ही हो रहा है। किसी की ज्यादा मदद करो तो वो पहले संशय करता है। हमारे भक्त लोग भगवद गीता बांटते हैं, व्यक्ति पहला प्रश्न पूछते हैं, आपको कितना कमीशन मिलता है? अरे, जो भक्त लोग लाखों रुपए का जॉब कर रहे हैं वो 20 रुपए की भगवदगीता कमीशन के लिए सड़क पे भगवदगीता थोड़ी बांटेंगे। वो लोग प्रयास कर रहे हैं कैसे जीवात्मा भगवत उन्मुख हो जाए, और वो व्यक्ति उन्हीं पे संशय करता है। तो भक्त लोग भी समझदार होते हैं, हाँ हमको कमीशन मिलता है। क्या कमीशन? तुम भक्ति करोगे तो हम भगवत धाम जाएंगे, इसलिए ये कमीशन हमारा है। इस प्रकार से यद्यपि भगवान राम मदद करने आ रहे हैं, लेकिन सुग्रीव उन्हीं के ऊपर संशय कर रहा है। अच्छा, इस संशय का विनाश साधु संघ में ही होता है। कोई बड़ा संशय में हो, अगर सही साधु सत साधु संघ में आकर के बैठ जाए तो उसकी श्रद्धा को पनपने में आसानी मिलती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, भक्ति यद्यपि श्रद्धा से शुरू होती है, लेकिन वो श्रद्धा भी मिलती है महत कृपा से, साधु कृपा से। तो यहीं पर सुग्रीव के संशय को दमन करने के लिए साधु प्रस्तुत हैं। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी सुग्रीव को बोलते हैं, आप इस तरह संशय मत कीजिए, मैं जाकर के पता लगाता। अब हनुमान जी सारी विद्याओं में निपुण है, यद्यपि बल में निपुण है लेकिन विनम्रता में भी निपुण है, यद्यपि शौर्य में निपुण है लेकिन बाकी जो कलाएं हैं, जैसे कि भेष बदलना, कविता गाना, वाद्य यंत्र बजाना, अच्छी रसोई करना, ये और चिकित्सा करना, ये सारी चीजें हनुमान जी को आती हैं। तो हनुमान जी तुरंत भेष बदले, ब्राह्मण रूप लिए और राम लक्ष्मण के सामने जाके खड़े हो गए। हनुमान जी राम जी को प्रश्न पूछते हैं, हनुमान जी राम जी को पूछते हैं, आप कौन हैं? भगवान राम परिचय देते हैं, मैं दशरथ नंदन राम हूं, पिता की आज्ञा से वन में आया हूं, ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं और हम सीता की खोज कर रहे हैं, आप कौन हैं? जैसे ही हनुमान जी ने भगवान राम का परिचय सुना, हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए और फूट फूट के रोने लगे, गदगद हो गए। भगवान राम बोलते हैं, लक्ष्मण इनसे पूछो कौन है ये, इनका परिचय तो दें। रोने लगे, ऐसी हमने क्या कष्टप्रद बात बोल दी जिससे ये रो रहे हैं? हनुमान जी अपना थोड़ा बाह्य चेतना में आए और राम जी को बोलते हैं, देखिए बच्चे माता पिता को भूल सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी बच्चों को थोड़ी भूलते हैं। तो मैं मूर्ख हूं जो मैं आपको भूल गया, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं आप कौन है, लेकिन मैं तो आपका नित्य दास हूं, आप मुझसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? मैं तो आपका सतत दास हूं, नित्य दास हूं, आप मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। जिस तरह एक सेवक का पालन पोषण उसका स्वामी करता है, और जैसे एक पुत्र का, एक अबोध एकदम नवजात शिशु का पालन पोषण जैसे माता पिता करते हैं, ऐसे मेरा पालन पोषण अब आप कीजिए। भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं, उठा करके हनुमान जी को गले से लगाते हैं और लक्ष्मण जी के सामने ही बोलते हैं कि जितना प्रेम मैं लक्ष्मण से करता हूं उससे दुगना प्रेम तुमसे करता हूं। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, कोई बोल सकता है कि भगवान एकदम पार्टी कैसे पलट लिए, लक्ष्मण के सामने ऐसा क्यों बोल दिए? लक्ष्मण तो अपने अनुज ही है,
लेकिन हनुमान जी को अभी आश्रय प्रदान करना है, भगवान लक्ष्मण के समान उनसे दुगना प्रेम हनुमान को दे रहे हैं। और बोलते बोलते भगवान राम यहां तक बोल दिए कि लोग बोलते हैं कि मैं समदर्शी हूं, लोग सोचते हैं कि मैं समदर्शी हूं, सोचा करें, मैं तो पक्षपाती हूं, मेरे भक्तों का मैं पक्ष लेता हूं। ये बात बोल के हनुमान जी को ये संतुष्टि हो गई कि भगवान सुग्रीव की मदद करने वाले, नहीं तो भगवान समदर्शी के अगर अपने चरित्र से चलते तो बाली और सुग्रीव दोनों को उनको एक सा मदद करनी पड़ती। लेकिन यहां पर भगवान बोले मेरे भक्तों के लिए मैं पक्षपाती हूं, लोग चाहे कुछ भी बोले मैं तो पक्षपाती हूं। हनुमान जी भगवान राम को लेकर के सुग्रीव के पास गए। देखो हनुमान जी को अभी एक सर्टिफिकेट मिला है, लक्ष्मण जैसा प्रेम, लेकिन जब सीता की खोज करके आएंगे तो एक और सर्टिफिकेट मिलेगा। तब कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? भरत सम भाई, तब भरत के समान भगवान प्रेम देंगे, क्योंकि लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम भगवान भरत को करते थे। जो साथ में रहते हैं उनसे तो प्रेम होता ही है, लेकिन जो आज्ञा पालन करें, जो आज्ञा के लिए दूर भी रहना स्वीकार करें, वो और ज्यादा प्रेमी बन जाते। इस तरह हनुमान जी से भगवान राम की भेंट हुई। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पे आए। सुग्रीव छुप करके देख रहे थे। सुग्रीव ने देखा जब हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, मतलब अपनी पार्टी का ही कोई आदमी, डरने की कोई बात नहीं है। तो सुग्रीव छुप के बाहर निकले, धीरे से बाहर निकले। भगवान राम सुग्रीव को मित्र कह करके संबोधित करते। देखो ये भगवान राम की उदारता है। भगवान राम से ज्यादा स्नेहशील और कौन होगा, जो गुहा को भी मित्र बना लेते हैं और यहां सुग्रीव को भी मित्र बना रहे हैं, आगे विभीषण को भी मित्र बना लेंगे। और व्यक्ति मांगे उससे पहले अपने आप को दूसरे को समर्पित कर देते हैं, ये भगवान राम का चरित्र है। तो यहां जैसे ही सुग्रीव सामने आया, उसके मन में संशय था कि अरे दशरथ नंदन, हनुमान जी ने जैसे ही परिचय दिया, बोले दशरथ नंदन राम, इतने उत्कृष्ट अयोध्या के राजकुमार, और हम बंदरों से मित्रता करेंगे? भगवान राम अपनी तरफ से मित्रता का सौहार्द बताते हैं। हनुमान जी वहीं पर तुरंत अग्नि प्रज्वलित करके दोनों की मित्रता स्थापित करते हैं। अब मित्रता हुई है तो कुछ भेंट भी देनी चाहिए, तो सुग्रीव भगवान राम को एक विशेष भेंट लेकर के आते हैं। ये भेंट बड़ी अमूल्य थी। ये भेंट एक कपड़े में बांध करके लाई गई थी, और उस कपड़े को खोल के जब भगवान राम देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। उस कपड़े के अंदर सीता माता के आभूषण। जब रावण माता सीता को लेकर के जा रहे थे तो ऊपर से पुष्पक विमान से सीता ने देखा कि यहां पर कुछ वानर बैठे हुए, और उनको देख करके अपने आभूषण फेंके थे। उन्हीं आभूषणों को संजो के सुग्रीव ने रखे थे। वो आभूषणों को देख करके जब भगवान राम गदगद हो गए तो सुग्रीव ने भगवान राम को वचन दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा सीता की खोज करने की। वो वचन सुन के भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा, आप इतने धर्मशील व्यक्ति लगते हैं, आप इतने धर्मज्ञ व्यक्ति लगते हैं, तो आप ऐसे छुप के क्यों रह रहे? क्या कारण है जिसके कारण आपको यहां पर छुप के रहना पड़ रहा है? तब सुग्रीव अपना इतिहास बताते कि बाली और मैं दोनों भाई, और बाली इतना शक्तिशाली है कि एक बार रावण द्वंद करने आया और बाली संध्या वंदन कर रहे थे, तो रावण को काफी रोका बाली ने, मैं संध्या वंदन कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। तो रावण फिर भी द्वंद करना चाहता था, तो रावण को बाली ने अपनी कांख में बता लिया कि संध्या वंदन में डिस्टर्ब ना, और संध्या वंदन करके भूल गए कि वो कांख में फंसा हुआ है। अब ये मत पूछना नहाते समय कैसे याद नहीं रहा, अब ये कथा तो कथा है। तो उस प्रकार से 6 महीने तक बाली घूमते रहे और रावण कांख में ही फंसा रहा। 6 महीने बाद बाली को याद आया, अरे कुछ तो है, देखा तो रावण को निकाला बाहर, अच्छा हो गया युद्ध, जाओ अभी। तो रावण ने बाली से मित्रता कर ली। अच्छा, जब ये हारते थे तो मित्रता कर लेते थे, कंस की कथा में भी ऐसा आता है। कंस पूतना से जब युद्ध करता है तो पूतना हराने लगती है कंस को, तब कंस राखी लेके चला जाता है, अरे तुम तो हमारी बहन हो, राखी बांध। तो उस प्रकार से ये असुर प्रवृत्ति है, जहां हारते हैं मित्रता कर लेते हैं। तो यहां पर बाली के सामर्थ्य का वर्णन
सुग्रीव कर रहा है और बोलता है कि मैं बाली से इतना प्रेम करता था कि हमेशा उनकी परछाई बन के रहता था और बाली भी मुझसे बहुत प्रेम करती। लेकिन एक दिन माया दानव का पुत्र मायावी, जैसे देवताओं के आर्किटेक्ट कौन है, विश्वकर्मा, उसी तरह असुरों के, दानवों के आर्किटेक्ट है माया दानव। उनके पुत्र का नाम है मायावी और ये मायावी दानव की एक स्त्री के प्रति आकर्षण था जिसको बाली ने मायावी को नहीं लेने दिया, तो मायावी का बाली से शत्रुता हो गई और इस कारण से मायावी आया और बाली के द्वार पर चुनौती देने लगा। युद्ध की चुनौती सुन के बाली तत्पर युद्ध के लिए निकल गए। सुग्रीव तो परछाई जैसे चलते ही थे तो साथ में गए और एक गुफा के अंदर ये मायावी दानव प्रवेश कर गया। जब ये मायावी दानव गुफा के अंदर प्रवेश कर गया तो सुग्रीव को बाली ने बोला, देखो मैं युद्ध करने अंदर जा रहा हूं, तुम यहीं रुको, 15 दिन प्रतीक्षा करना, 15 दिन के अंदर मैं बाहर ना आऊं तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। इस गुफा के दरवाजे को बड़े पत्थर से बंद कर देना और किष्किंधा वापस चले जाना। युद्ध शुरू हुआ, 15 दिन निकल गए, 18 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना निकल गया। सुग्रीव प्रतीक्षा करते रहे। 1 महीने बाद उस गुफा से खून बहता हुआ बाहर निकल, आदेश तो था 15 दिन के अंदर बाहर ना आए तो चले जाना, ये 1 महीना तक रुके थे। उसके बाद सुग्रीव ने उस गुफा को बंद कर दिया जिससे मायावी अगर बाहर आएगा तो किष्किंधा में भी तांडव मचाए। सुग्रीव जब किष्किंधा वापस आए, मंत्रियों ने बोला, देखो राज्य को बिना राजा के कभी नहीं होना चाहिए, तो आपको राज्य ग्रहण करना चाहिए। सभी की सम्मति से सुग्रीव राजा बने। लेकिन कुछ ही समय बाद बाली वहां पहुंच गए और प्रवेश द्वार से ही देखते हैं कि सिंहासन पर बैठा हुआ है सुग्रीव। अच्छा अगर पूछ लेते कि क्या हुआ था तो इतनी बात बिगड़ती नहीं। कई बार हमारे संबंधों में हम सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, पहले ही मन में बना करके बैठ जाते हैं। बस कष्ट किसको होता है, स्वयं को कष्ट होता है। बाली वहीं से चित्कार करके चिल्लाने लगा, धूर्त हो, द्वेषी हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, तो हमारे कुल के सांप हो, इस तरह अपशब्द बोलते बोलते बाली अपनी गदा लेकर सुग्रीव की तरफ दौड़ते हैं। सुग्रीव तो जानता है कि वो बाली से युद्ध नहीं कर सकता, तो वहां से भाग करके कई स्थानों पर जाता है छुपने के लिए। अंत में उसे बोला जाता है ऋषिमुख पर्वत पे बाली नहीं आ सकते, वहां पर रहो। तो उस तरह सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे निवास करते हैं। तो भगवान राम को ये पूरी कथा सुनने को मिली और सुग्रीव अंत में बोलते हैं, भगवान मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूं। क्यों समझ सकता हूं? क्योंकि मेरी पत्नी रुमा को भी बाली ने बलवत अपने साथ रख लिया। जैसे रावण सीता को ले गया, रुमा बाली के पास है। भगवान राम ने उसी समय पर वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी पत्नी को बाली के चुंगल से मुक्त करा करके आपको प्राप्त कराऊंगा। वचन किसने पहले दिया था? सुग्रीव ने। लेकिन पूरा पहले किसने किया? भगवान राम ने। देखो हम यद्यपि सोचें कि हम भगवान के लिए बहुत कुछ करेंगे, हम संकल्प करेंगे उससे पहले भगवान हमारे लिए बहुत कुछ कर देंगे, ये भगवान का स्वभाव होता है। भगवान ने प्रण ले लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उसी प्रण के साथ भगवान बाली के ऊपर अनुकंपा उसी समय शुरू कर, भगवान सुग्रीव के ऊपर अनुकंपा उसी समय शुरू कर दी। ये अहेतु की कृपा होती, खुद चल के आए, खुद चल के कहानी पूछी, खुद चल के वचन दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें लगता है कि भगवान हमारे जीवन में आ गए तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वास्तव में उनकी अनुकंपा है कि हमारे जीवन में आ गए। भागवत में मत्स्य अवतार का वर्णन आता है, सत्यव्रत राजा के पास जब मत्स्य अवतार देखे, अंजलि में छोटी सी मछली आई तो उनको बड़े अनुकंपा आ गई, अरे ये छोटी सी मछली को तो मुझे आश्रय देना चाहिए। वो ये नहीं समझ रहे थे कि वो उनको आश्रय नहीं दे रहे हैं, भगवान उनसे साथ में रह के आश्रय भगवान उनको दे रहे हैं। वो मछली को महल ले गए, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आपको कथा पता है। बाद में सत्यव्रत राजा, सप्त ऋषि, बीज इत्यादि की रक्षा भगवान ने। तो उस तरह कई लोग ये सोचेंगे कि देखो शबरी ने भगवान को भेजा सुग्रीव के पास मदद मांगने के लिए,
तो भगवान असमर्थ थे बिना सुग्रीव के मदद के? वास्तव में ये बात नहीं है। भगवान सुग्रीव के पास गए सुग्रीव की मदद करने के लिए। आज सुग्रीव को भगवान राम चार लोगों को त्याग करने की शिक्षा देते हैं। भगवान बोलते हैं चार लोगों को तुरंत त्याग देना चाहिए। पहला है मूर्ख सेवक। सेवक यदि मूर्ख हो तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। एक राजा का मूर्ख सेवक था, लेकिन प्रेम बड़ा करता था। लोगों ने बोला ये मूर्ख है, इसको हटा दो। बोलते नहीं नहीं, हमसे बड़ा प्रेम करता है, मूर्ख भले ही हो। अब दिन भर राजा को पंखा करे, रात में भी पंखा करे। रात में राजा सो रहे थे, ये पंखा कर रहा था। एक मक्खी आके राजा की नाक पे बैठी। अब ये मूर्ख बड़ा पंखा तेज तेज करे, मक्खी उड़े ही नहीं। तो इसने राजा की तलवार पास में रखी थी, तलवार उठा ली और तलवार से राजा की नाक ही काट दी। तब राजा को पता पड़ा मूर्ख सेवक नहीं रखना चाहिए। इसी तरह गुरु के लिए भी मूर्ख सेवक बड़ा बड़ा दर्ददायी है। एक गुरु ने अपने सेवक को बोला जाओ बाजार से जाके चार रसगुल्ले लेके आओ। तो ये चार रसगुल्ले दुकान से खरीदा, गुरु के पास आते आते एक बचा। गुरु ने पूछा क्यों, हमने चार लाने को बोले थे, एक कैसे बचा? बोले गुरु महाराज आपने बोला था मीठे रसगुल्ले लाना, तो मीठे कैसे देखते, एक तो चखने ही था, तो चार में से एक तो दुकान पे ही चख लिया। लेकिन दुकान पे जल्दीबाजी में चखा तो अच्छे से समझ में नहीं आया कि कैसा टेस्ट था, तो रास्ते में एक और चख लिया। अब दो बचे, तो दो में से हमने सोचा गुरु महाराज हम जब आपके पास आते हैं तो आप आधा लेते हो, आता तो हमको वैसे ही देते हो, तो हमने सोचा आपको क्यों कष्ट दे, तो आधा हमारा हम पहले ही ले लेते हैं, तो एक और खा लिया। अब ये एक बचा है, तो गुरु बड़े क्रोधी हुए, बोले मूर्ख तुमने चार में से तीन रसगुल्ले कैसे खा लिए? तो उसने चौथा भी मुंह में रख के बोला ऐसे खा लिए। ये मूर्ख सेवक की दुष्टता है। तो भगवान राम बोलते हैं मूर्ख सेवक को पहले त्याग करना चाहिए। दूसरा है कंजूस राजा। कंजूस राजा का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि कंजूस राजा होगा तो प्रजा को मार डालेगा, खत्म कर देगा। यूरोप में हमारे गुरुमा जी उदाहरण देते थे, यूरोप में एक रानी से बोला गया कि लोगों को ब्रेड भी नहीं मिल रही है खाने के लिए। तो रानी बोलती है तो वो केक क्यों नहीं खा लेते, ब्रेड नहीं है तो केक खा ले। कंजूस राजा भी मार देगा। और तीसरा है अपवित्र स्त्री। अगर घर में अपवित्र स्त्री है तो वो पूरे घर को अपवित्र कर देगी, क्योंकि आत्मवान मन्यते जगत। उसको हर व्यक्ति में दोष दिखेगा, पूरा परिवार टूट जाएगा। हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरों को देखते हैं। ये सिद्धांत बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। जो भगवत भक्त है उनको सबके अंदर भक्ति दिखती है, और हमको सबके अंदर दोष दिख रहा है, मतलब हम दोषों के सागर है। एक व्यक्ति मेले में गया, मेले से कुछ खरीद के लाना चाहता था, साथ में थे केवल 2 रुपए। अब एकदम भुच्छ देहाती व्यक्ति था, कभी कुछ शहर का सामान देखा नहीं था, तो मेले में बड़ी चीजें उसको आकर्षित की। एक कांच की दुकान में गया, कांच उसने पहली बार देखा था। अब कांच जब देखा पहली बार तो खुद का चेहरा भी पहली बार ही देखा, तो कांच के सामने जाकर के देखा एक व्यक्ति दिख रहा है, तो स्माइल दी, तो व्यक्ति ने भी स्माइल दी। कांच का तो धर्म है जैसा आप देखोगे वैसे। उसने प्रणाम किया, राम राम भैया, उसने भी राम राम किया। उसका ये भाई साहब बड़े अच्छे, तो दुकानदार को बोला ये भाई साहब हमको दे दो, कितने में दोगे? तो दुकानदार बोलता है कि अब उसको तो कांच बेचना है, भाई साहब 2 रुपए के हैं, 2 रुपए में ले जाओ। तो बड़ा खुश हो गया, 2 रुपए में कांच लेके घर में आया, कमरे में लगाया। अब बार बार जाए, बार बार उनसे राम राम करे, वो भी हंस के राम राम, वो तो कांच है। उसको बड़ी खुशी हो, पत्नी देख रही थी, ये बार बार अकेले में जाते हैं और बड़े खुश होते हैं। पत्नी को पति की खुशी से भी समस्या है, तो पत्नी सोचने लगी क्या देख के आती हूँ, किस चीज को देख के बार बार खुश हो रहे हैं। अब पत्नी ने भी कांच नहीं देखा था, वो कांच के सामने आई तो उसको युवती स्त्री दिखी, तो वो सोचे अच्छा इसलिए इतने खुश हैं, ये किसी को पकड़ के साथ में लेके आए। अब घर में लड़ाई छिड़ गई, पति बाहर गया था, सास ससुर के सामने ये तो रोने लगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, ये एक पर स्त्री को घर में लेकर के आए, बार बार जाते हैं, बड़ा खुश होके कमरे से बाहर आते हैं। तो सास ने बोला मैं तो देख के आऊं किसको पकड़ के लेके आई। अब सास गई, और सास ने जब कांच में देखा तो एक बूढ़ी महिला दिखी, ये सास बूढ़ी थी। अब वो आकर के बोली तू फालतू मेरे बच्चे के ऊपर इंजाम लगाती है, वो तो एक वृद्ध महिला को लाया है सेवा करने के लिए,
वो थोड़ी कोई युवा स्त्री को लेके आया है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, इतने में ससुर जी आए। ससुर जी जाके देखते हैं तो उनको बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। वो बोलते हैं तुम दोनों मूर्ख हो, तुमको स्त्री पुरुष के बीच में भेद नहीं दिखता है, वो तो एक बूढ़े आदमी को लेके आया है। अब वो आदमी जब वापस आया चारों लड़ने लगे, नहीं नहीं वो तो भाई साहब है, नहीं नहीं वो तो युवती है, नहीं कौन सही है, चारों सही है। आत्मवान मन्यते जगत, जैसा कांच में देखोगे वैसा ही कांच दिखेगा। तो अगर कोई अपवित्र घर को गठन करने वाली महिला स्त्री होती है और अगर वो अपवित्र हो जाए, उसकी चेतना कलुषित हो जाए, तो पूरे परिवार को कलुषित कर देती है। इसलिए भगवान राम बोलते हैं उनका त्याग करना चाहिए। और चौथा भगवान राम बोलते हैं कपटी मित्र का त्याग करना चाहिए। अगर कोई शत्रु है तो आपको पता है उससे सावधान रहना है, लेकिन कोई मित्र बन के ढोंग कर रहा है और वो कपटी है तो वो आपका सबसे ज्यादा घाटा करके जाएगा। कई बार लोग नाटक करते हैं मदद करने का, वास्तव में मदद करते नहीं है। एक व्यक्ति थोड़ा बहरा हो गया था, ऊंचा सुनता था, तो उसके मित्र को बुखार आया, बड़े दिन से बीमार था। तो उसने सोचा हम जाके मिलेंगे, तो लोगों ने बोला कि तुम ऊंचा सुनते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाओ जो उसकी बात सुन के तुम्हें थोड़ा तेज बोल के सुनाए, जिसे तुमको सुनाई दे। तो उसने बोला अरे हमको कौन उसकी फिक्र है, हम तो ऐसे ही पूछने जा रहे हैं कि थोड़ा लोक व्यवहार के उसको बुरा ना लगे। कपट के साथ गए, उनने सोचा अंदाज मार उत्तर दे देंगे। अब जा करके प्रश्न पूछा, क्यों भैया कैसे हो? अच्छा जो तेज सुनते हैं वो तेज बोलते भी, उनको लगता है पूरी दुनिया तेज सुनती है। तो चिल्ला के बोलता क्यों भैया कैसे हो? तो ये व्यक्ति को वैसे ही दुख दर्द हो रहा था, और ये कान पे चिल्लाया तो इसको बड़ा गुस्सा है। तो व्यक्ति बोला बस मरने ही वाले हैं। अब ये तो वैसे ही ऊंचा सुनता था, बहरा था, इसने सोचा शायद बोल रहा है अच्छे हैं। बोलता हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलते रहो जल्दी काम हो जाएगा। उसको और क्रोध आया, इसने दूसरा प्रश्न पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? ये बोलता यमराज का। ये फिर तुक्के से उत्तर देता है हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनके बहुत भीड़ लगती है, सबका काम कर देते हैं। ये व्यक्ति ने बीमारी में उठ के खूब पीटा उसको। कपटी मित्र घाटा करके ही जाएगा, वो ढोंग कर रहा है। भगवान राम बोलते हैं उसका भी त्याग करना चाहिए। मित्र की परिभाषा भगवान राम बोलते हैं, बड़ी सुंदर रामायण में श्लोक दर श्लोक है जहां सच्चा मित्र कौन होता है भगवान राम बताते हैं। सच्चा मित्र वो है जो अपना दुख अगर पर्वत समान भी हो तो उसको कंकड़ समान माने मित्र के सामने, और अगर मित्र का दुख कंकड़ समान भी हो तो उसको पर्वत समान माने, ये सच्चा मित्र है। और मित्र कौन है? अगर मित्र संकट में हो तो जितना प्रेम वो उससे व्यवहार में करता था उससे 100 गुना ज्यादा प्रेम कष्ट के समय करे, ये सच्चा मित्र है। तो इस प्रकार मित्र की परिभाषा भगवान राम देते गए। बड़ा सुंदर प्रवचन, सबको मजा आ रहा है, सुग्रीव मुंह टेढ़ा करके खड़े हैं। लक्ष्मण ने राम भगवान राम से बोला भैया इनको आपका प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा। भगवान राम ने बोला क्यों भैया क्या बात हुई? बोले आपका प्रवचन तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके ऊपर विश्वास हमको नहीं हो रहा है कि आप बाली को मार पाओगे। लक्ष्मण को क्रोध आया, बोले और करो बंदरों से दोस्ती, आप अभी बोल रहे थे मूर्ख सेवा की, मूर्ख ही दिख रहे हैं हमको। आप इतना प्रवचन दिए, इतना सामर्थ्य, आप क्या नहीं मालूम है खरदूषण इत्यादि 10,000 राक्षसों को अकेले भगवान राम मार के आए हैं, वहां विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा करने मारी सुबाहु को परास्त करके आए हैं, यहां पर अभी सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा है भगवान के ऊपर। अच्छा मित्रता कई बार लोग परखने के बाद करते हैं, यहां सुग्रीव ने मित्रता कर ली अब परख रहा है, गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन भगवान राम स्नेहशील हैं, उनको क्रोध नहीं आया। भगवान राम बोलते हैं ठीक है तुमको यदि प्रसन्नता हो तो मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। बच्चे जिद्दी कर सकते हैं, माता पिता जिद्दी थोड़ी करते हैं, माता पिता बच्चों का हित ही चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम ने परीक्षा देने के लिए सहमति दी। सुग्रीव बोलते हैं एक काम कीजिए, दुंदुभि को मारा था बाली ने और दुंदुभि की अस्थियों से सप्त ताल वृक्ष हो गए हैं, ताल वृक्ष अभेद हैं, गगन चुंबी हैं, इनको आप यदि भेद देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप बाली को मार सकते हैं। बात ऐसी थी कि 7 बाणों से 7 पेड़ों को भेद देना तो मान जाएंगे। भगवान राम ने एक ही बाण चलाया, वो बाण प्रदक्षिणा करा सप्त ताल वृक्षों को भेद करके पुनः भगवान राम की तरकश में जाकर के रह गया।
जब बाली ने यह देखा तो बाली समझ गया, जब सुग्रीव ने यह देखा तो समझ गया बाली का वध भगवान करने में सक्षम है। लेकिन सुग्रीव ने सोचा हम अपने सिर पे मर्डर क्यों लें, तो अब सुग्रीव वैराग्य दिखाने लगा। सुग्रीव भगवान को बोलता है, भगवान मेरी इच्छा तो ऐसी हो रही है कि धन छोड़ दूं, संपत्ति छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं, राज्य छोड़ दूं और बस आपका भजन करूं, बस सब मोह माया है, केवल आपका भजन करना चाहता हूं, सब छोड़ दूं, परिवार पत्नी सब छोड़ के केवल आपका भजन करूं। लक्ष्मण जी धीरे से राम जी से बोले, इनसे पहले पूछो ये चार चीजें जो गिना रहे हैं इनके पास हैं, धन बचा नहीं, पत्नी बची नहीं, राज्य बचा नहीं, संपत्ति बची नहीं, छोड़ेंगे क्या? तो ये जो बोल रहे हैं वास्तव में ये संकेत कर रहे हैं पहले दिलवाओ फिर छोड़ेंगे, फिर आपका भजन करेंगे। व्यक्ति भक्ति ना करने के 100 बहाने देता है, कोई ना कोई कारण से भक्ति ना करने का बहाना देता है। आप मंदिर बुलाओ क्या बोलेंगे? जब भगवान बुला लेंगे तब आ जाएंगे। भगवान इनको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजेंगे, अब मंदिर आ जाओ। पूरा जीवन इंद्रियों की सेवा करते रहते हैं और इंद्रियों की सेवा में इतने व्यस्त हैं कि भगवान के भजन के लिए अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं, अलग अलग बहाने देते हैं। एक हमारे मध्य भारत में कहावत है, एक अजूबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध खुद पी ले वे घी बनारस जाए। सुना है आपने? एक अजूबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। हमने एक दिन देखा शाम के समय बंदर गाय का दूध निकाल रहा है। देखा कभी किसी ने? एक अजूबा देखा, बंदर गाय का दूध निकाल रहा है और दूध दूध खुद पी ले वे, पूरा दूध तो खुद पी लेता है और घी बनारस जाए। अब जब दूध खुद पी लेगा तो घी कैसे बनेगा? डुप्लीकेट, वो घी बनारस जाता है। तो किसी ने पूछा, भैया बताओ इसका मतलब क्या है? ये गाय है हमारी इंद्रियां, गो अर्थात इंद्रियां, और ये बंदर है हमारा मन। ये मन इच्छा करता है कितना ज्यादा इंद्रियों का दूध निकाल लो। आप थक करके 10-11 बजे अपने बिस्तर में लेटेंगे, फिर मन बोलेगा मोबाइल चलाओ, आंखें बंद हो रही हैं, हाथ गिरे जा रहे हैं, फिर भी उंगली टिक टिक टिक, मन दूध निकालता ही रहेगा, पेट भर गया है फिर भी मन बोलता है और ठूसो और खाओ। इंद्रियों का जितना शोषण मन कर सकता है उतना कर लेता है, पूरा जूस निकाल लेता है, पूरा दूध पी जाता है। अब जब बुढ़ापे में मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, उस समय पे याद आती है बनारस जाएंगे, भजन करेंगे, भजन होगा भजन नहीं होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते थे, कुमार अवस्था से भजन करो, जब जागो तभी सवेरा, जब कृष्ण भक्ति मिले तभी से उसका अनुसरण शुरू करना चाहिए, भगवत नाम का आश्रय लेते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लक्ष्मण भगवान राम से बोलते हैं, हमको तो लगता है ये बहाना दे रहे हैं आपका भजन नहीं करने के लिए। तो भगवान राम समझाते हैं सुग्रीव को, देखो सुग्रीव, ज्ञान की बातें तो बहुत हैं लेकिन व्यक्ति को थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए। तुमको बाली से समस्या है ना, बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं? सुग्रीव बोलते, नहीं बाली तो हमारा शत्रु नहीं है, बाली शत्रु नहीं है, नहीं बाली तो हमारे ऊपर बहुत कृपा किया है। क्यों? बाली के प्रसाद से ही तो हमको आपका संगति मिली है, अगर बाली हमको नहीं भगाता तो आपकी संगति हमको कैसे मिलती? लक्ष्मण बोलते हैं, भगवान इनको जरूर बाली का प्रसाद चाहिए, और जब तक ये बाली की पिटाई नहीं खाएंगे तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। ये मरकट वैराग्य, इसलिए नाम पड़ा है, बंदर का वैराग्य है। क्यों बंदर का वैराग्य बोला है? बात तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं सुग्रीव, बाद में जाके जब राज्य मिल जाएगा तो ये भगवान राम को ही भूल जाएंगे। ये वहीं पर चतुर्मास में भगवान राम सीता के वियोग में बैठे रहेंगे और ये राज्य पाठ के ऐश्वर्य में भगवान को ही भूल जाएंगे। इसलिए बोला है मरकट वैराग्य, ये बंदर का वैराग्य है, जो जितना ज्यादा प्रवचन कर रहा है वास्तव में उतना आसक्त है। उस प्रकार से भगवान ने बोला कि देखो, तुम यद्यपि कुछ भी बोलो, हम सत्यवाहक हैं। एक बार आपको वचन दे चुके हैं कि आपकी पत्नी को बाली से छुड़वा करके लाएंगे, मतलब लाएंगे, हमारा वचन शिरोधार करो और विश्वास करो, जाओ बाली से जाकर के युद्ध करो। सुग्रीव ने बोला, आपने वचन लिया है, हमको क्यों पछड़े में डालते हो, हमको क्यों युद्ध करवाने भेजते हो? भगवान बोलते हैं, हमने देवताओं को नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ेंगे? देवता जब प्रार्थना करने गए ब्रह्मा जी के साथ, जय जय सुर नायक, भगवान को
मक्खन लगा रहे हैं कि आप सुर नायक हो, हमारी तो नायक हो, देवताओं के तो नायक हो, तो आप हमारी मदद करो। तो भगवान सभी देवताओं को बोलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, राम अवतार लूंगा, लेकिन तुम सब बंदर योनि में जाकर के जन्म लो। देवता बोलते हैं, भगवान ऊपर से ही मदद कर देंगे, बंदर क्यों बना रहे हो? बंदर को कोई पसंद नहीं करता है, सब भगा देते हैं, बंदर क्यों बना रहे हो? भगवान राम बोले, दो कारणों से, एक यदि मुझे प्राप्त करना है तो विनम्र बनना होगा। तुम अभी अहंकार में चूर हो, जब विनम्र बनोगे, विनम्र स्थान लोगे, तब मैं तुम्हारी मदद करने आऊं। तृणादपि सुनीचे न तरोरिवा सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। विनम्रता भगवान की कृपा को आकर्षित करती। और दूसरा, बिना मेहनत के अगर मैं कुछ देता हूं तो लोग उसकी मूल्य नहीं करते। तो मेहनत जब करोगे और जब मेरी कृपा प्राप्त होगी, तब तुमको मेरी कृपा का सही अर्थ समझ में आएगा। वास्तव में लोग बोलते हैं, हमारे भाग्य में भक्ति होगी तो भक्ति मिल जाएगी। भक्ति भाग्य से नहीं मिलती, भाग्य में तो कर्म ही लिखा है। आप किसी भी ज्योतिष को दिखाओगे, अच्छा ज्योतिष भी समझदार है, उनके भी 10-12 वाक्य रेडी हैं। कोई युवा आए तो उसका हाथ देख के बोल दो, तुम्हें तुम्हारा प्रेम नहीं मिला है, बस। हाँ हाँ सही बात है, सही बात। कोई थोड़ा मझली उम्र का व्यक्ति आया, उसको बोले तुम्हारा व्यापार अच्छा, तुम्हें पैसा तो खूब मिलना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं मिला जितना तुम सोच रहे थे, बस वो व्यक्ति बोलेगा हाँ हाँ सही बात। थोड़ा वृद्ध व्यक्ति आए, बोले आप वैसे तो स्वस्थ हैं लेकिन परिवार में कोई सुनता नहीं है, थोड़ा शारीरिक कष्ट रहता है, हाँ 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 सही, परिवार में कोई सुनता नहीं। जो ज्योतिषी उस तरह व्यक्ति को पकड़ के रखते हैं, लेकिन वास्तव में भाग्य में कर्म बंधन के अलावा कुछ नहीं लिखा है हमारे। जब हम भगवान की भक्ति के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, तब वो कर्म बंधन का नाश होता है। इसलिए भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं, उठो अर्जुन, आलसी मत बनो, मेरे लिए कर्म करो, मेरी भक्ति करो, मद अर्पणम, मेरे लिए कर्म करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। तो इस प्रकार से थोड़े से मेहनत से भगवत प्राप्ति हमें प्राप्त हो सकती है, इनाम का आश्रय लेके, भगवान का आश्रय लेके, भक्तों का आश्रय लेके। तो भगवान ने सुग्रीव को बोला, मेहनत तो आपसे हम कराएंगे, आप तैयारी शुरू कर दो। तो सुग्रीव को तैयारी करते रहने देते हैं, आगे कथा कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? 2-3 मिनट समय है। एनी क्वेश्चन? यस। उनको श्राप मिला था उस स्थान पर, उन्हें ऋषि अवहेलना की थी, इस कारण से ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आप उधर नहीं आ सकते। और कोई प्रश्न? यस। प्रश्न है कि सुग्रीव का मरकट वैराग्य था, हम लोगों के अंदर भी मरकट वैराग्य आता है, तो उस मरकट वैराग्य से बाहर कैसे निकले? इसीलिए गलत सही क्या है वो अगर हम विचार करेंगे, या तो भावना में करेंगे या फिर आसक्ति के कारण करेंगे। हमें मार्गदर्शन में भक्ति करना चाहिए। शील प्रभुपाद ने इसलिए हमको इस्कॉन केंद्र दिया है, जहां हम भक्तों के संरक्षण में भक्ति कर सके, जहां हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना सीखते हैं। भक्त लोग बताएंगे, प्रभु जी अभी आप आसक्त हो रहे हो, नहीं अभी आप फालतू विरक्त हो रहे हो। तो वो मार्गदर्शन, वो स्टीयरिंग भक्तों के हाथ में देना है, और जब भक्तों का मार्गदर्शन रहेगा तो उस मरकट वैराग्य से हम ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी 2-3 मिनट में भगवान के दर्शन खुलने वाले हैं, हम लोग हरि नाम करेंगे। हरे कृष्ण।